नगर निगम चंडीगढ़ के द्वारा स्वच्छता मशाल रैली का आयोजन मॉडर्न हाउसिंग प्रारंभ करके पूरे वार्ड नंबर 6 में रैली निकाली गई। इस रैली में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मेयर सरबजीत कौर ने हिस्सा लिया। रैली का समापन मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की मार्केट में वापस पहुंचकर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं एवं पुरुषों ने हिस्सा लिया और अपने हाथों से पूरी मार्केट की सफाई की। इस अभियान को संपूर्ण करने के बाद सभी को सरबजीत कौर ने जीवन में स्वच्छता अपनाने के लिए स्वच्छता की शपथ दिलाई और लोगों से अपील की कि 2023 में स्वच्छ सर्वेक्षण में चंडीगढ़ को नंबर 1 बनाने में अपना योगदान दें। आज हमारे जो नगर निगम के आयुक्त के आदेश अनुसार आज हमने स्वच्छता मशाल रैली का आयोजन पूरे चंडीगढ़ में किया। उसी के मद्देनज़र आज मनीमाजरा वार्ड नंबर 6 में पूर्व महापौर श्रीमती सरबजीत जो यहाँ पे पार्षद हैं वो मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने मशाल को रन किया। इसमें सैकड़ों महिलाओं ने और पुरुषों ने हिस्सा लेके पूरे 6 वार्ड के लोगों ने इकट्ठा होकर सफाई अभियान चलाया और एक हमने रैली चलाई यहाँ पर। जी बिल्कुल जी, देखिए सफाई अगर हम चंडीगढ़ में लाना चाहते हैं तो हम सबको एक इकट्ठा होकर काम करना पड़ेगा। तो ये महीना आपको पता है हम महिलाओं पर समर्पित है, तो उसके मद्देनज़र आज महिलाओं ने ये शपथ भी ली और एक नारा दिया कि चंडीगढ़ की नारी गंदगी पर भारी, ताकि वो इससे जो गंदगी का ढेर है उसको समाप्त करेंगे और गंदगी को बिल्कुल ख़त्म करके चंडीगढ़ को नंबर 1 बनाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मेरा यही आदेश है, सॉरी यही लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग मिलकर पार्टिसिपेट करें। ये चंडीगढ़ शहर आप लोगों का शहर है, इसको नंबर 1 बनाएं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में चंडीगढ़ को नंबर 1 बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। नगर निगम की पूरी टीम आप लोगों के साथ है। इसमें ऐसा है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रोग्राम के तहत अभी जो मार्च का महीना था, मार्च का जो पूरा का पूरा मंथ था वो महिला सशक्तिकरण मंथ के रूप में मनाया जा रहा था, उसी महिला सशक्तिकरण महीने के रूप में आज चंडीगढ़ के 35 वार्ड्स में हम लोगों ने एक स्वच्छता मशाल रैली का आयोजन किया। चंडीगढ़ के सभी 35 वार्ड्स में हमने इस रैली को आयोजित किया है, जिसमें सभी वार्ड्स की महिलाओं, वो भले ही मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन की प्रतिनिधि रही हों, उसके माध्यम से हम आपको ये मैसेज देना चाहेंगे कि जो नारी शक्ति है उसको हमें सही तरीके से असेस करना चाहिए, उसे अंडर असेसमेंट नहीं करना चाहिए। और जो स्लोगन ही ये था हमारा कि जो चंडीगढ़ की नारी या देश की नारी गंदगी पे भारी, तो जो गंदगी का जो हमारा मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान है उसमें जो चंडीगढ़ की नारियां हैं, देश की नारियां हैं, बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। उन लोगों के भाग लेने की वजह से, उनकी सहभागिता की वजह से जो स्वच्छ भारत अभियान है उसको एक नई दिशा मिली है और चंडीगढ़ को स्वच्छ बनाने के लिए उन सब का एक अहम योगदान है। और उन सभी महिलाओं ने ये कसम खा ली है कि हम चंडीगढ़ को नंबर 1 लाकर ही रहेंगे और उनका असर आने वाले स्वच्छता अभियान में और जो हमारी जो स्वच्छता की रैंकिंग आनी है उसमें देखने को मिलेगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।